कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम लोगों का वो है क्वेश्चन नंबर 14, बिलोंग्स टू लॉस ऑन इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, यानी कि जब कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट नहीं हुआ है और उसमें लॉस कैलकुलेट हो जा रहा है। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या नया चीज निकल के आता है। शंकर लिमिटेड टुक अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर ₹2,40,000 एंड वर्क वॉज स्टार्टेड ऑन 1 June 2013। ध्यान दीजिएगा, अप्रैल में स्टार्ट नहीं हुआ है, 1 June यानी कि अप्रैल में, 2 महीने के बाद काम शुरू हुआ है। द फॉलोइंग पर्टिकुलर आर अवेलेबल रिगार्डिंग द कॉन्ट्रैक्ट अप टू 31 March 2014। मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट डेबिट में जाएगा, वेजेस कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट डेबिट में जाएगा, जर्नल एक्सपेंस कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट डेबिट में जाएगा और प्लांट डिस्पैचेस कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट डेबिट में जाएगा। ये हुआ 4 आइटम। देयर आफ्टर अक्रूड एक्सपेंस में वेजेस और जनरल एक्सपेंसेस ये आउटस्टैंडिंग है, आप चाहो तो इन दोनों में ऐड करके भी लिख सकते हो, अदरवाइज सिंगल भी लिख सकते हो डेबिट साइड में। अदर पर्टिकुलर में मटेरियल एट साइट क्लोजिंग मटेरियल है, ये आपका कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट क्रेडिट में जाएगा। कैश रिसीव जो है वो वर्क सर्टिफाइड का 80% है, 1,44,000। तो आपको वर्क सर्टिफाइड निकालने के लिए 100/80 का फॉर्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा, जस्ट रेसिप्रोकल आपका निकल जाएगा वर्क सर्टिफाइड। वर्क अनसर्टिफाइड दिया है 16,000। डिप्रिशिएशन ऑन प्लांट इज टू बी चार्ज एज 2% पर मंथ है। तो आप जब डिप्रिशिएशन चार्ज करोगे तो डायरेक्ट 2% चार्ज नहीं करोगे बल्कि 10 मंथ का निकालोगे, ओके? क्योंकि 8,000 का 2% जो निकलेगा वो 1,600 निकलेगा, तो 10 मंथ का हो जाएगा 1,600। देखिए यहाँ पे हिंट्स में भी दिया हुआ है और मैंने भी यही कैलकुलेशन किया है। आइए देखते हैं इसका सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 14 सोल्यूशन यहाँ पर है। तो जैसा कि मटेरियल 60,000, वेजेस में आउटस्टैंडिंग वेजेस को प्लस करके लिख दिया, जनरल एक्सपेंस को आउटस्टैंडिंग प्लस करके लिख दिया, प्लांट 8,000, वर्क सर्टिफाइड 1,44,000 का रेसिप्रोकल कर देंगे 100/80 तो आपका 1,80,000 आ जाएगा, वर्क अनसर्टिफाइड 16,000, क्लोजिंग बैलेंस मटेरियल 4,000 गिवन इन द क्वेश्चन क्रेडिट साइड में आ जाएगा। प्लांट में जब हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे प्लांट में 8,000 का 2% मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे तो 1,600 आएगा, तो 8,000 में से 1,600 माइनस करेंगे, मेरा क्लोजिंग बैलेंस ऑफ प्लांट आएगा 6,400। अब डेबिट का टोटल करेंगे और क्रेडिट का टोटल करेंगे तो यहाँ देख रहे हैं डेबिट का टोटल क्रेडिट के टोटल से ज्यादा है, तो आंसर मेरा बैलेंसिंग फिगर आएगा लॉस, यानी कि बाई पीएल। लॉस की कंडीशन में वर्क इन प्रोग्रेस में कोई भी अमाउंट ट्रांसफर नहीं किया जाता है। तो कॉन्ट्रैक्ट वॉज स्टार्टेड ऑन 1 June फॉर 10 मंथ, इसलिए देखिए यहाँ पे कैलकुलेशन दिखाया हुआ है और यहाँ पे लॉस निकाला हुआ है। तो ये जो लॉस ऑन कॉन्ट्रैक्ट है ये बहुत ही आसान था, बहुत ही ईजिली तरीके से ये बन गया। होपफुली आप लोगों को इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि लॉस के कंडीशन में आपका 2PL नहीं होता है, बाई पीएल होता है, और इसमें वर्क इन प्रोग्रेस में कोई भी अमाउंट ट्रांसफर नहीं किया जाता है। थैंक यू।